हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आप देख रहे हैं पीडीएमसी क्लब। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका कि इंडिया टीम में टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत ही ऊंचा नाम है, जो कि काफी धुरंधर प्लेयर हैं इंडिया टेनिस बॉल के। तो आइए आपको रूबरू करवाता हूँ अंकुर सिंह जी से। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं कि किस तरह से आप अपना इतना ऊंचा जो नाम किए हैं, आप अपने से ही अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्रिकेट में आपको मेहनत जरूरी है, और मेहनत आप करते रहिए क्रिकेट में। और मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे आप क्रिकेट में मेहनत करते रहेंगे, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप फिट रहें, कितना हो सके ग्राउंड पे जाएं, प्रैक्टिस करें आप जाके, और क्रिकेट को एंजॉय करें। आपने पृथ्वी शॉ के सामने भी बॉल डाल चुकी है, और कैसा फीलिंग आता है आपको उस टाइम जब आप बड़े बड़े खिलाड़ी लोग रहते हैं पृथ्वी शॉ लाइक पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सामने भी बॉल डाल चुके हैं, तो किस तरह का फीलिंग होता है उस टाइम? ये भैया सिर्फ मतलब कॉन्फिडेंस की बात है, और मेरे हिसाब से कोई भी मतलब खिलाड़ी छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरे हिसाब से खिलाड़ी जो ऑन फील्ड जो अच्छा करे वही बड़ा होता है, चाहे वो पृथ्वी शाह हो, चाहे जैसे ये बहुत सारे प्लेयर्स के साथ खेल चुका हूँ, वो बड़े इसलिए हो क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस उनको बड़ा किया। तो यही बोलना चाहूँगा प्लेयर्स को कि आप मेहनत करते रहिए, जितना हो सके आप अपना गेम इम्प्रूव करिए और क्रिकेट को एंजॉय करिए। फर्स्ट मैच आप यहाँ पे जीत के अब सेकेंड जो है प्री क्वार्टर में आए हैं, और आगे वाले जो टीम है वो सुरेंद्र आईटीआई की है, वो काफ़ी तगड़ी टीम है, और इस वो भी स्ट्रांग है, और आप भी किस नज़रिए देखने चाहेंगे इस मैच को? ये बहुत ही अच्छा मैच होगा, उम्मीद करता हूँ सुरेंद्र आईटीआई टीम को भी मतलब तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, और वो भी बहुत अच्छी टीम है। सर कोशिश यही करेंगे कि क्रिकेट अच्छा खेले, हमारी टीम भी अच्छा खेले, वो भी टीम अच्छा क्रिकेट खेले, और एट द लास्ट जो अच्छा ज़्यादा खेलेगा बेहतर खेलेगा वही टीम जीतेगी, दोनों टीम के लिए। एक क्वेश्चन और है आपसे कि अभी आपको जो है ISPL टेनिस बॉल में चुना गया है, तो क्या आपका आगे का रणनीति है इसमें? सर रणनीति तो कुछ नहीं, अभी तो हमारी टीम मीटिंग्स वगैरह होगी, प्रैक्टिस वगैरह होगी, तो रणनीति तो वहीं बनेगी। कोशिश करूंगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और अपना 100% दूँ और टीम के लिए कुछ अच्छा करूं, और जिसके साथ टीम थोड़ा आगे हमारी जाए आगे के मैचेस के लिए, और कोशिश करेंगे कि वो टूर्नामेंट जीते हम। अंतिम क्वेश्चन आपसे कि अभी के जो यंगस्टर हैं जो काफ़ी अभी मोबाइल गेमिंग में वो फोकस कर रहे हैं, उनके लिए आप जाएं ग्राउंड पे, जाएं जो भी आपके पास ग्राउंड हो, आप होम वर्कआउट करें, अगर आप ग्राउंड पे नहीं जा पा रहे हैं घर में आप खुद को फिटनेस करें, और ग्राउंड है तो वेल एंड गुड है, आप जाके ग्राउंड पे समय दीजिए, फिटनेस करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ जो आपको मतलब परफेक्ट बनाती है। तो मेरे हिसाब से आप ग्राउंड पे जाएं जितना हो सके समय दें, सब चीज़ करने में अच्छा ही है, आप मोबाइल गेम भी यूज़ करिए लेकिन एक टाइम होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज़ करिए, आप ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए और क्रिकेट को आगे आगे बढ़ाइए, मतलब क्रिकेट ही नहीं कोई भी गेम खेलिए आप, लेकिन ग्राउंड पे जाइए, आप मेहनत करते रहिए। This is Tarik Artist. Welcome all.